गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू एलकेजी। आज इंग्लिश में हम आपको यूज ऑफ ए और एन के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको फाइव वोवल्स पढ़ा चुकी हूँ, ए ई आई ओ यू। लुक एट द बोर्ड, सब बोर्ड की तरफ देखेंगे। A E I O U, मैंने फाइव आपको वोवल्स पढ़ा चुकी हूँ। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है यूज ऑफ ए और एन, इसका मतलब जो हमारा वोवल से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो वहां पर एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एन का। और जो वर्ड वोवल से स्टार्ट नहीं होता है वहां पर हम आ का यूज करेंगे। फिर से देखेंगे, जो वर्ड वोवल से स्टार्ट होता है तो ए एन एन का यूज करेंगे, और जो वर्ड वोवल से स्टार्ट नहीं होता है तो आ का यूज करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले क्या बना है? एप्पल। एप्पल इसमें हमारा वोवल है तो हम इसका एन का यूज करेंगे। ये देखिए, सेकंड देखिए, बैग। बी ए जी बैग। बैग हमारा देखिए बैग वोवल से स्टार्ट नहीं होता है तो हम किसका यूज करेंगे? आ का। थर्ड देखेंगे, गर लिखा है, गर लिखा है तो जी हमारा वोवल से स्टार्ट नहीं है। देखिए वोवल यहां पे नहीं है, मैंने वोवल लिखा है तो जी वोवल नहीं है तो हम यहां पर ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आउल, ओ डब्ल्यू एल आउल। ओ हमारा वोवल है लेकिन यहाँ पर वोवल है ये, तो हम यहाँ पर ए और एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे काम क्या बना है? कार, सी ए आर कार। कार भी देखिए हमारा वोवल से स्टार्ट नहीं है तो यहाँ पर भी हम लोग ए का यूज करेंगे। अब यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला है तो हमारा अम्ब्रेला यू जो है वोवल है तो हम यहाँ पर ए और एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए ट्री, टी आर डबल ई ट्री। ट्री हमारा वोवल नहीं है क्योंकि यहाँ पर टी नहीं है तो हम यहाँ पर ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए ई वाई ई, ई हमारा वोवल है ना तो हम यहाँ पर ए और एन का यूज करेंगे। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो वर्ड कोई भी वर्ड वोवल से स्टार्ट होगा तो हम वहां पर एन का यूज करेंगे, और जो वर्ड वोवल से स्टार्ट नहीं होता है तो आ का यूज करेंगे। ये सारे वर्ड्स आप कॉपी में पढ़ने के बाद उसको बुक में सेंड करना है, और ये आपका होमवर्क है। होमवर्क भी सेम मैंने दिया है, इसमें भी आपको जो वर्ड वोवल से स्टार्ट है तो उसमें एन का यूज करना है, जो वर्ड वोवल से स्टार्ट नहीं है तो ए का यूज करना है। एक बार मैं बता देती हूँ, बी ए टी बैट, बी वोवल नहीं है तो आ आएगा, ओ वोवल है हमारा तो ए एन आएगा, एफ वोवल नहीं है तो ए आएगा, आइसक्रीम, आई हमारा वोवल है तो ए और एन आएगा, सी ओ काउ, काउ हमारा वोवल नहीं है तो ए आएगा, ओ एक्स ऑक्स, ऑक्स भी हमारा वोवल है तो ए एन आएगा, और एफ एल ओ डब्ल्यू आर फ्लावर हमारा वोवल नहीं है तो ए आएगा। इसको भी कॉपी में लिखने के बाद बुक में सेंड करना है, और इसको भी बुक में सेंड करना है। एक बार बुक में भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर बनी है, पेज नंबर 23 मैंने ब्लैकबोर्ड पर लिखा है, एन एप्पल ऑन अ ट्री। एप्पल हमारा वोवल है तो एन का यूज हुआ है, ई भी हमारा वोवल है एलिफेंट तो एन का यूज हुआ है, अ गर्ल विद एन अम्ब्रेला, जी हमारा वोवल नहीं है तो हमारा ओनली आ आएगा, अ बो विद एन एरो, बी भी हमारा वोवल नहीं है तो आ आएगा। अब नीचे देखिए, अ ट्री अ कार अ गर्ल अ बो, नीचे एन है, एन एप्पल एन एलिफेंट एन अम्ब्रेला एन आउट। अब इधर देखेंगे, इसको भी बुक में करना है आपको, व्हाट इज दिस, पिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिया है, ए और एन का यूज है तो जो सही है आपको उसमें टिक करना है। जैसे यहाँ पर क्या बना है? आंट, तो आंट में आपको टिक करना है। यहाँ पर काउ बना है तो काउ में टिक करना है। ये आउल बना है, एन आउल तो आउल में टिक करना है। अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला में टिक करना है। ये हमारा कंगारू है तो कंगारू में टिक करना है। ये हमारा एक्स है,
एन एक्स में पिक करना है, आइसक्रीम है तो आइसक्रीम में, और ये बैग है तो बैग में, इसको भी आप बुक में कंप्लीट करना है, इसको ग्रुप में सेंड करना है, लेकिन ये दोनों जो ब्लैक बोर्ड पे काम है ये आपको कॉपी में ग्रुप में लिखने का ग्रुप में सेंड करना है। थैंक यू।